दोस्तों, आज जो मैं केसर के बीज उगाऊंगा, ये मेरे पास 5 केसर के बन गए। इनकी अच्छी अच्छी स्प्राउटिंग शुरू हो गई है। अब मैं इसके मिक्सचर लूँगा, कोकोपीट और बर्मी कंपोस्ट। मैं इस छोटे से प्लास्टिक के डिब्बे में उगाऊंगा। जो लगाना जो है शुरू करते हैं, एक एक करके छोटा सा रहेंगे और बल्ब डालेंगे। इसी प्रकार से हम बाकी के बल्ब लगाते जाएंगे। थोड़े से कोको भी टटाएंगे और ये जो केसर का जो दबा देंगे। अब दूसरा और तीसरा वाला आज जो है 21 सितंबर है, जो आज मैं केसर के बल्ब लगा रहा हूँ। इसी प्रकार से मेरा जो था साइड में कोने जैसे ये मिट्टी हटा के थोड़ा सा हटा के कोकोपीट एंड बर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर हटा के मैं पहली बार केसर के बल्ब लगाने रहा हूँ। मेरा फर्स्ट टाइम है। मैंने मिट्टी में भी लगाए, गमले में भी लगाए, पर आज मैं एक्सपेरिमेंट करके इसमें लगा रहा हूँ। देख सकते हैं इनसे अच्छे चलते हैं। अब एक जो हम बीच में लगा देंगे सेंटर में, इन चारों से उंगली थोड़ा सा छेद करके लगाना शुरू करते हैं। और इसी जगह थोड़े से पानी देने के बाद कुछ सनलाइट में छोड़ दूँगा। जो मैं अभी वीडियो अच्छा लगा है थोड़ा सा सेट कर रहा हूँ। अब हम जो इसमें जो है डाल दिया है, इसको मैं अब जो इसमें बोतल के साथ इसमें पानी डालूँगा। थोड़ा थोड़ा स्प्रे करूँगा चारों तरफ, ताकि वो कोको भी जो अच्छी तरह से ठीक है मॉइस्चर बन जाए। ज़्यादा गिल्ला रहने से बल्ब जो हमारे सड़ सकते हैं केसर के बल्ब। फिर से हम चारों तरफ से अच्छे से एक बार वाटरिंग कर देंगे। जो मैं कर रहा हूँ पानी जो एक बार फिर से डालेंगे, दोबारा से पानी नीचे जाते हैं। बस दूसरी बार फिर से थोड़ा थोड़ा किनारे पर पानी शावर करेंगे और देखते हैं कब तक इसमें जो फूल आते हैं। केसर के जो मैंने पहले आज है 28 तारीख फूल आ गया केसर का। आप देख सकते हैं इसमें छोटा सा जो आज 2 इंच डीप हो गए। प्लास्टिक का डिब्बा फोन फैक्ट्री का डिब्बा था, उसमें अच्छा है अगर आपके वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं।